संबल में उर्वरक उपलब्धता बिक्री को लेकर खाद की दुकानों का कृषि अधिकारी ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान खाद के 12 लिए सैंपल अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानों को किया सीज, 1 दुकान का किया लाइसेंस निरस्त। जनपद संबल में शासन के आदेश पर कृषि विभाग ने उर्वरक उपलब्धता बिक्री को लेकर खाद की दुकानों का निरीक्षण किया है, जहाँ निरीक्षण के दौरान 12 खाद के सैंपल लिए हैं। साथ ही अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानों को सीज किया है, 1 दुकान का लाइसेंस निरस्त किया है। ओमकार सिंह जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेश पर खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान 12 सैंपल खाद के लिए हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानें सीज और 1 दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। सर, आपके द्वारा खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया है, क्या कहें इसको लेकर? वर्तमान में शासन के जैसे के निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जनपद में जो भी उर्वरक संस्थान हैं उनके निरीक्षण के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके क्रम में जनपद में जो उर्वरक के प्रतिष्ठान हैं, चाहे कीटनाशी रसायन जो बिक्री करते हैं उनके प्रतिष्ठान हैं, इन पर निरंतर निगरानी करने हेतु निरीक्षण किया जा रहा था। इसमें अब तक लगभग जो 12 नमूने हमने उर्वरक के ग्रहण करके और लैब को भेज रखे हैं, उसका परीक्षण जैसे ही प्राप्त होता है, वो मानक है या अमानक है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब तक 3 दुकानें निलंबित की जा चुकी हैं और 1 का लाइसेंस निरस्त किया।